हाय गाइस, सलाम अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे आप लोग? आज मैं बनाने वाली हूँ प्राउन्स बिरयानी। इसके लिए मैंने चावल भिगा दी हूँ, बासमती राइस ली हूँ और ये प्राउन्स, थोड़ा ये थोड़ी बिरयानी बना रही हूँ इसके थोड़े प्राउन्स है। और देखो, इसमें मैं अदरक लहसुन मिक्स कर रही हूँ। प्राउन्स अच्छे से मैंने वॉश कर ली थी, अब इसमें दही ऐड कर रही हूँ। अदरक लहसुन भी मैंने ऐड कर चुकी हूँ और इसमें मैं दही ऐड कर रही हूँ और गरम मसाला वो ऐड कर रही हूँ, क्योंकि खड़ा मसाला मैं उसमें डालूंगी ना, इसके लिए इसमें गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर। और वहाँ मेरे खाला का काम चल रहा है रोज़ की जैसा, धनिया पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, पाउडर मसाले मैंने डाल दिए। और ये देखो, शान का बिरयानी मसाला, सॉरी बॉम्बे बिरयानी मसाला, ये बहुत अच्छा रहता है माशाल्लाह, इससे बिरयानी एकदम टेस्टी और अच्छी बनती है, और नमक टेस्ट के हिसाब से। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, झींगे में अच्छी तरह से मसाला लगा दूँगी और टेस्ट करके देख लूँगी कि बराबर मसाला नमक वगैरह है कि नहीं। और देखो, आपको मालूम है ना, मैं ये बिरयानी के अंदर मैं पीस के भी मसाला डालती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता, मुझे मसाला कम ना पड़ता है, कम ना पड़ेगा इसकी। ये बहुत अच्छी ट्रिक है कि आप इसके अंदर एक टमाटर, छोटा एक टमाटर ले लो, छोटी एक प्याज लो, मिर्ची कोतमीर का पेस्ट बना के इसमें डालो तो ग्रेवी अच्छी रहती है, एकदम चिटक नहीं जाती है। बिरयानी के अंदर ग्रेवी रहेंगी तो खाने में भी अच्छा लगता है ना, तो राइस राइस ज़्यादा लगती है। तो देखो, इसमें मैं मसाला पीस के डाल रही हूँ, दो हरी मिर्ची और थोड़ा सी धनिया डाल दूँगी, एक छोटा टमाटर, एक छोटी प्याज और दो हरी मिर्ची और थोड़ा सी धनिया। और ये आपके पास अदरक लहसुन नहीं पिसा तो इसमें पीस के ऐड कर दो। और देखो, अब ये मसाला मैं इसमें झींगे में भी ये वाला भी मसाला लगा दूँगी, तो इससे ग्रेवी अपनी अच्छी बन जाती है। आप भी ट्राई करके देखना, बहुत अच्छी बनती है इसमें ग्रेवी। यहाँ मेरे पूरा मसाला इसको लग गया है, पहले वो वाला मसाला लगाई और अब ये पिसा हुआ मसाला भी लगा दी मैंने, और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और अभी थोड़ा सी पानी मैंने जो मिक्सर जार में था वो डाल दी, थोड़ा सी, ज़्यादा नहीं डालना, ज़रा सी एकदम मामूली से। इसमें मैं गोल गोल टमाटर भी काट दूँगी ऊपर से। और यहाँ मैंने राइस बॉईल करने के लिए रख दी, इसमें मैंने खड़े गरम मसाले डाल दिए। खड़े गरम मसाले में मैंने तेज़पत्ता वगैरह डाल, तेज़पत्ता, काली मिरी, लौंग वगैरह सब डाली। और मैं झींगे के बिरयानी में आलू नहीं डालते, मगर मेरे बच्चे बिना आलू के खाते नहीं है, इसके लिए मुझे आलू हर सब्जी में डालना ही पड़ता है। तो देखो, दो मैंने आलू ले ली मीडियम साइज़ के, उसको मैं फ्रेंच फ्राई जैसे काट दूँगी, वेगिस टाइप, देखो, और इसको मैं फ्राई कर दूँगी। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर दिए और देखो, ये मैंने फ्राई के लिए रख दी। देखो, मैं सलाद बना रही, जब तक मेरा चावल वहाँ बॉईल हो रहा है ना, इसके लिए मैं सलाद रेडी कर रही हूँ। और मेरा बिरिस्ता ऑलरेडी रेडी है, इसके लिए मुझे नो टेंशन है, मेरी फटाफट बिरयानी बन जाएगी। देखो, आज मैं गोभी का सलाद बना रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्टी लगता है गोभी का सलाद। आधी गोभी ली हूँ और आधी एक प्याज डाल दूँगी इसमें बारीक काटे ली, और हरी मिर्ची, एक हरी मिर्ची डालूँगी। और देखो, जैन की मस्ती देखो, हरी मिर्ची, थोड़ी सी कोतमीर, और इधर मेरी बारीक कोतमीर का, हरी मिर्ची काट दी और कोतमीर काट दी। और इसमें मैं डाल दूँगी दही, शक्कर एक चम्मच और थोड़ा सा चाट मसाला। ये होममेड चाट मसाला ये मेरे भाई मेरे को बना के देता है, बहुत अच्छा चाट मसाला बनाता है। कितना अच्छा मेरा सलाद बन गया है, और गोभी का सलाद बहुत अच्छा लगता है, इसको कोई भी बिरयानी पुलाव किसके साथ भी खा सकते हैं, अच्छा लगता है। हमेशा ककड़ी का खाते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है गोभी का सलाद। और यहाँ मेरे राइस बॉईल हो गए, इसका मैंने पानी नहीं धार दी हूँ। अब ये मसाला तो मैं मालूम मैंने भून के ही बनाती हूँ बिरयानी का, कच्चे मसाले की नहीं बनाती हूँ, फटाफट बन जाती है, मेरे को फिर घाई हो रहती ना हर चीज़ की,
तो देखो मैंने इसमें आलू छोड़ दिए और इसमें 4 या 5 चम्मच मैं इसमें तेल डालूँगी। आपको इतनी इजी तरह से मैं बना रही हूँ, स्टेप वाइज अच्छे से बता रही हूँ, आप ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छी रेसिपी है प्राउन्स बिरयानी। देखो मैंने ब्रिस्ता बोली थी ना, मैंने बना के ऑलरेडी रखी हूँ, अभी मैंने इसमें ब्रिस्ता भी ऐड कर दी हूँ। ब्रिस्ते से और अपनी अच्छी ग्रेवी हो जाएगी, जितनी अच्छी ग्रेवी रहेंगी उतनी अच्छी बिरयानी अपनी बनेगी। और देखो मेरा मसाला पूरा रेडी हो गया अच्छी तरह से, मैं थोड़ा सा इसमें कोथमीर गार्निश कर दूँगी, धनिया, और इसमें डाल रही हूँ राइस। ज़्यादा बिरयानी नहीं बना रही, थोड़ी ही बनाई हूँ क्योंकि प्राउन्स मेरे पास कम थे ना इसके लिए, तो थोड़ी बिरयानी बना रही, ज़्यादा नहीं है, मगर माशाल्लाह बहुत अच्छी भी हो गई थी मेरे को। हम लोग को दोनों टाइम की बनाती हूँ, मेरे हम लोग के लिए तो हो जाती है अच्छी तरह से। अब इसको मैं अच्छे से गार्निश करूँगी। और ये देखो दूध मैंने इसमें दूध में ऐड कर ली थी फूड कलर, और देखो फूड कलर डाल रही हूँ अभी। बिरिस्ता मैं इसमें गार्निश कर दूँगी अच्छी तरह से, और पुदीना, अरे कोथमीर, पुदीना नहीं था मेरे पास इसके लिए, पुदीना नहीं करी, स्किप कर दी। ओके कोई बात नहीं, पुदीना नहीं है तो चल जाता है, कोथमीर है ना, कोथमीर से भी अच्छा फ्लेवर आता है। और इस पर ऊपर से मैंने डाल दी गरम मसाला खुशबू के लिए, जब आपकी बिरयानी बनेगी तो इतनी अच्छी खुशबू आएंगी, बाजू के घर तक खुशबू आएंगी, इतनी अच्छी बिरयानी। और इस पर ऊपर से मैं डाल दूँगी थोड़ा सी घी, इससे फूड कलर वगैरह भी अच्छे से पक जाएगा। और ये जो अपना राइस दम पे दूँगी वो भी अच्छी तरह से हो जाएगा। और माशाल्लाह मेरी बिरयानी बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनी थी, एक बार आप ट्राई कर भी ले लो। देखो मेरी बिरयानी का फाइनल लुक अब ये हो गई है खाने के लिए रेडी। और आ जाओ आप लोग सब लोग खाने के लिए टेस्टी सी यम्मी सी प्राउन्स बिरयानी। प्लीज़ ट्राई ज़रूर करना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना तो आपको समझेगा कि बिरयानी की रेसिपी एकदम परफेक्टली समझ में आएंगी। ना मेजरमेंट है ना कोई चीज़ का है कि इतनी कितनी बनानी क्वांटिटी का, ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर में 4 लोगों 3 लोगों का अपने हिसाब से बना सकते हैं, मगर ये आप देखेंगे ना बराबर से इतनी अच्छी और इतनी टेस्टी बिरयानी आप कभी किधर नहीं खाई होगी, इतनी अच्छी प्राउन्स बिरयानी बनेगी। आप प्लीज़ ट्राई ज़रूर करना। देखो मेरी बिरयानी का फाइनल लुक, प्राउन्स बड़े ज़रूर लेना। देखो गाइस दोपहर का वक्त है, 4:30 का टाइम है, हो हम लोग का खाना हो गया है और मैं यहाँ खिड़की में विंडो में खड़ी हूँ। देखो मैं जो गार्डन में आपको बताई थी ना उधर का व्यूज़ है, आई बटन में आपको डालूंगी। एक दिन आपको मैं गार्डन में लेके गई थी, बहुत अच्छा गार्डन है माशाल्लाह, वो बराबर मेरी खिड़की के सामने से दिखता है। और यहाँ देखो जैन की गाड़ी नीचे है और जैन नीचे खेल रहा है, एनिया भी नीचे ही है, एनिया साइकिल चला रही है और जैन मट्टी में खेल रहा है। उसको मट्टी में इतना मज़ा आता है ना जैन को, खेलते रहता कंटिन्यू, मट्टी उड़ाता है, बाप रे बहुत डस्टेड करता है, फिर आके नहाता है घर पे। और ये गार्डन का व्यू मेरी खिड़की में से दिखता है, इतना अच्छा लगता है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगता है इधर का गार्डन का, दोनों खिड़की में से दिखता है। हाय गाइस, शाम का वक्त हो रहा है, मगरिब का टाइम हो रहा है, मैं लाइट्स ऑन कर रही हूँ सब घर की, और अभी नमाज का वक्त होगा मगरिब का।
उससे पहले मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके आती हूँ, मीठा बनाने रही हूँ। रवा, कोई शीरा बोलता है, हम लोग रवा बोलते हैं। घर टैडी है, अलीना गई है ट्यूशन, और जैन और एनिया नीचे खेल रहे हैं। जब तक मैं बनाने जा रही हूँ रवा शीरा, और देखो मेरा किचन भी क्लीन है अभी तो। बिरयानी हो गई खा के, खाना बना खा लिया हम लोग ने। दोपहर में बिरयानी थी और प्राउन बिरयानी, और अभी शाम के वक्त के लिए मैं बना रही रास्ते में रवा, उसकी रेसिपी आपसे मैं शेयर करती हूँ। चलो फिर बनाते हैं रवा, चलो फिर बनाते हैं फटाफट रवा। ये देखो मैंने एक कप में दूध निकाल लियो, रवा भी एक, मैंने सूजी भी एक कप में निकाल दी, रवा एक सूजी रवा एक कप में निकाल दियो, शक्कर भी एक कप में निकाल दियो, इलायची पाउडर है, और ये मैं थोड़ा सी केसर दूध में डाल रही हूँ, और फूड कलर भी दूध में डाल दूँगी। फटाफट बन जाएगा मेरा रवा। देखो डिक्ची में मैंने वॉश करी थी, थोड़ा पानी रह गया, अब इसको मैं सुखा के इसमें रवा भून दूँगी। आज वीडियो थोड़ा लंबा है मगर है मज़ेदार, देखना प्लीज़ पूरा वीडियो, तो अच्छी अच्छी डिश आपको मिलेगी। और मैं यहाँ रवे को अच्छे से भून रही हूँ, रवे को भूनेंगे तो टेस्ट भी अच्छा आता, और अच्छे इसकी सब रवे की स्मेल चले जाती है, और अच्छे से खाने में भी अच्छा लगेगा आपको। देखो अच्छी तरह से मैं भूनू, एकदम मरूम ने कुछ निकाली, लाइटली भून लेने का उसको अच्छे से, और घी डाल देंगे। घी मुझे थोड़ा सी ली मैंने घी, क्योंकि ज़्यादा नहीं, ठंडी का टाइम है ना, तो फिर एकदम चिपचिपा रवा अच्छा नहीं लगता, और फिर जल्दी से सूख जाता है, खाने में मज़ा नहीं आता है, इसके लिए थोड़ा घी कम डाली हूँ। और इसको मैं घी में भी अच्छी तरह से भूनूंगी, मैंने पहले खाली भूनी, और अभी मैं घी में भी अच्छी तरह से इसको भून लूँगी। देखो मैं, और इसमें भी मैं डाल दूँगी शक्कर शुगर, इसके साथ भी मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। जितना अच्छे से रवा भुने जाएगा उतना उसमें अपने में रवे में टेस्ट अच्छा आएगा। अब इसमें डाल दी इलायची पाउडर खुशबू के लिए, आपके पास कोई एसन वगैरह हो तो एसन भी डाल देना। और देखो इसमें मैंने दूध और कलर और ज़ाफ़रान सब मिला दी थी ना, डाल दी। अभी इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, दूध भी डाल दी और एक कप पानी भी ऐड कर दी। एक कप दूध और एक कप पानी, और देखो यह मैं मेरा दवा स्टीम करने रख दी, दम पे रख दी। देखो मेरा रवा हो गया रेडी, कितना फटाफट और इतना इजी है बनाने में भी। और चलो फिर रवा खाते हैं, बिरयानी खाए तो मीठा भी कुछ हो जाए। ये फ्राइडे का दिन का वीडियो है, मैंने जिस दिन की वो थी तो उस दिन मैंने बिरयानी बनाई थी, और मीठे के लिए रवा बना दी थी, वो तो शाम को मैंने बनाई थी नाश्ते के लिए। देखो मेरा रवा एकदम अच्छे से रेडी है, अब मैं इसे खा रही हूँ। शाम का नाश्ता आज मैंने रवे से की थी, मुझे मीठा बहुत पसंद है, ये कुछ ना कुछ तो बनाते रहती हूँ। चलो आप भी आ जाओ खाने के लिए, पूरा वीडियो आप देखो, मेरा ब्लॉग पसंद है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना।